सब्सक्राइब करें कुकिंग विद अनीता को और नए रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। हेलो, नमस्कार। मैं उदयपुर की हूँ और हमारे जीलोक नगरी उदयपुर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं उदयपुर के सबसे हॉट स्पॉट फतेह सागर झील के किनारे हूँ। तो ये देखिए हमारे उदयपुर शहर को, देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पर आंखों को ठंडक देने वाली हरियाली और ये झीलों में पड़ती बारिश की बूंदें। यहाँ लोग इस मौसम में बहुत बहुत एंजॉय करते हैं। और एक बात मैं बताऊं कि इस मौसम में यहाँ जो सबसे ज्यादा खाया जाता है वो है दाल बाटी चूरमा। हमारे किचन में चलिए और हम लोग मिलकर बनाते हैं सोंधी सोंधी दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं दो आदमियों के लिए बना रही हूँ, तो इस तरह के कप से मैं एक कप ये मूंग की छिलके वाली दाल ले रही हूँ। इसी कप से हाफ से भी थोड़ा सा कम कप तो उड़द की दाल मिक्स कर रही हूँ। और इसी कप से मैं पूरा फुल भर के नहीं ले रही हूँ, थर्ड फोर्थ ले रही हूँ मैं, ये चने की दाल मिक्स कर रही हूँ। देखिए मैंने दाल धो दिया है, अब इसे मैं कुकर में डाल दे रही हूँ। इसमें बस करीब एक कप के आसपास और पानी चाहिए इसमें दाल के अंदर, तो मैं एक कप पानी और मिला दे रही हूँ। और मैंने ये एक हरी मिर्ची और एक साबुत लाल मिर्च इसे भी मैं डाल रही हूँ। और अच्छा कलर आने के लिए हाफ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर मिलाएं, स्वाद के हिसाब से नमक मिला लें। बंद करके आधा घंटा तक इसे छोड़ दें, उसके बाद ही पकाइए। तो चलिए अब चूरमा बनाने के लिए मैं बताती हूँ। जब तक दाल भीग रही है तब तक मैं चूरमा बना रही हूँ। मैं दो आदमियों के लिए चूरमा बना रही हूँ, तो मैं इस कप से एक कप गेहूँ का आटा ली हूँ। इसमें सबसे पहले मैं मोइन डालूंगी, घी का मोइन। तो देखिए ये इससे दो बड़े ये इस चम्मच से दो चम्मच में घी मिला रही हूँ। और घी मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लें। देखिए ये इस तरह से ये बिल्कुल इतना मोइन मिला कि ऐसे बना तो ये आटे का लड्डू जैसा बन जाए। अब आपके घर में अगर थोड़ी बहुत फ्रेश मलाई बची हो, जो दूध आप रखते हैं मलाई, तो उस मलाई से इस आटा को गूंदे। तो मेरे पास ये इतनी सी मलाई है, मैं एक चम्मच के हिसाब से मलाई है, इतने बड़े चम्मच से मलाई है। तो मैं मलाई से पहले इसको गूंद देखती हूँ, अगर ये मलाई से गूंद जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी। और आटा को थोड़ा सा इस चूरमे के आटे को थोड़ा एकदम पूरी से भी थोड़ा टाइट गूंदे। तो मुझे लग रहा है कि ये इसमें थोड़ा सा पानी की और ज़रूरत होगी, तो मैं थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ। तो इसमें ही थोड़ा सा पानी डाल करके मैं देखती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे मैं देखिए थोड़ा सा छींटा ले पहले पानी को, पानी का छींटा लेकर के पहले आटे में मिलाए। और देखिए ये इस तरह से ऐसे हार्ड ये थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट मैंने नहीं गूंधा है, ये थोड़ा सा हार्ड निकल गया। और अब इसके छोटे छोटे मैं लोई बना ले रही हूँ और इसे मैं अप्पम तवा पे इसे सेकूंगी। बना पार्टी के जैसे ऐसे गोल गोल बना लीजिए। देखिए मैं इस तवा पे ही इसे सेकूंगी। तो और अगर आप इसे तलना चाहते हैं तो थोड़ा घी में इस तरह से मुठिये बनाकर आप ऐसे तल सकते हैं। तो ये तवा को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है और थोड़ा सा घी लेकर के आप इसके ग्रीस कर दीजिए इसे, थोड़ा सा हल्का सा ब्रश की सहायता या किसी भी चीज़ की सहायता से ऐसे ब्रश कर दीजिए। और ये गर्म हो जाए तो इसके ऊपर
रख लीजिए, मैं रख दे रही हूँ। और इसे सिम पे कर दें और इसे धीरे धीरे पकने दें। तो देखिए ये हमारी बाटी भी, ये चूरमे वाली बाटी भी सिक करके तैयार है, लगभग तैयार है। बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा और घी का ब्रश करके ऐसे मैं थोड़ा और उलट पलट दे रही हूँ। धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे तो ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाएगा। और इसे ढक दे, अगर आपको थोड़ा जल्दी पकाना हो तो इसे ढक ढक कर पकाएं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये हाँ, ये बिल्कुल सिक करके तैयार है। ये अंदर से भी अच्छी तरह से एकदम अच्छे से खुशबू अच्छी आ रही है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं, और इसे गैस मैंने बंद कर दिया है। और इस बाटी को एक बर्तन में हम ले लेते हैं, इसे किसी चम्मच की सहायता से इसे तोड़ दें। देखिए इसे मैंने चम्मच की सहायता से ऐसे तोड़ दिया है, और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद, पहले के ज़माने में तो लोग इमाम दस्ते में कूटते थे, अब तो आजकल तो मिक्सी का ज़माना हो गया है, तो मैं इसे मिक्सी में चला लूँगी पहले, लेकिन थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो जब तक ये चूरमे की बाटी ठंडी हो रही है, चलिए हम बाटी को तैयार कर लेते हैं। मैं अब बाटी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो मैंने इस कप से 2 कप आटा लिया है। ये मेरा मोटा आटा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये थोड़ा सा मोटा आटा है। अगर आपके पास अच्छा मोटा आटा ना हो तो आप इसमें 4 चम्मच सूजी और 4-5 चम्मच मक्की का आटा भी मिला सकते हैं। आज मैं सिर्फ आपको गेहूं के आटे से ही बनाना बता रही हूं। तो ये मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसमें बीच में थोड़ा सा ये आप गड्ढा कर लें, और इसमें घी का मोल दे। तो मैं अब इसमें 4 चम्मच, इस चम्मच से 4 चम्मच घी का मोल मिला रही हूँ। घी मिलाने में कंजूसी ना करें। और ये अजवाइन मैं मिला रही हूँ, और स्वाद के लिए नमक मिला रही हूँ। इन सबको अच्छी तरह से, इस मोयन को आप अच्छी तरह से आटा में मिला लें। बाटी का आटा देखिए ऐसे हो गया है। और हाथ में थोड़ा सा, हाथ को चिकना कर लें थोड़ा सा घी लेकर के, और इसे अच्छी तरह से, इसे खूब अच्छी तरह से ऐसे मिलाएं। एकदम ऐसे है वो आपको खुद छूने में हल्का हल्का सा लगेगा। देखिए मैंने मिला दिया है, ये बिल्कुल देखिए ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा दिखेगा ये। तो अब इसके आपको जितनी बड़ी बड़ी बाटी बनानी है, वैसे अपम तवा पे आप बना रहे हैं अगर, तो थोड़ा छोटा छोटी छोटी ही बाटी बनाएं। तो देखिए इसे इस तरह से आप, और बराबर के लोई काट लें, हाथ को थोड़ा चिकना कर लें, और इसे यूं करें। और देखिए इसे करके फिर वापस इसे मिलाएं ऐसे, इसे आप ऐसे क्रॉस में भी ऐसे थोड़ा दबा लें, और ऐसे करके बाटी भी एकदम ऐसे नहीं कि उन्हें लोई काटा तुरंत गोल गोल ना बनाए, इसे ऐसे दबाएं ऐसे दबाएं, और फिर आप गोल गोल बना लें 2-3 बार ऐसे करके। आप इस तरह से ये बाटी ऐसे तैयार करके, ये यूँ दबा कर इस तरह तैयार कर लें। तो मैं सारी बाटी को तैयार कर लेती हूँ ऐसे। मैंने बताया कि ये बाटी को गोल गोल करें, और इसे किसी भी उंगली से आप इसे क्रॉस में ऐसे दबाएं। इसके पीछे कारण ये कि बीच में ये होल बनेगा, तो ये अंदर से बाटी सेकने में बाटी कच्ची नहीं रह जाएगी। तो देखिए मैंने सारी बाटी को ऐसे तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे पकाते हैं। देखिए बाटी भी हमने तैयार कर ली है, और ये जो ये भी अब थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो इसे किनारे करते हैं अभी। और मैंने दाल जो भिगोई थी, और इस तरह चूल्हे पे दाल रखी हूँ, ये दाल भी पकेगी। और ये बाटी को भी मैं अपम तवा पे ही बनाऊँगी। तो ये अपम तवा को गर्म होने के लिए रखते हैं, और
ये मैं इसे इंक्रीज कर देती हूँ थोड़ा सा। ये गर्म हो चुका है, अब एक एक बाटी को आप इसके अंदर रख दीजिए और गैस को सिम करके और इसे दो दो मिनट ढक ढक करके पकाएं। तो मैंने ये ढक दिया है और ये दाल भी बन रही है। तो जब तक ये पक रहा है, चलिए ये चूरमा को इस तरह से पहले थोड़ा पाउडर जैसा कर लें इसे। इसे मैं मिक्सी में चलाऊंगी। पहले इसे कूटते थे, फिर वो छलनी से छानते थे, आजकल तो मिक्सी में फटाफट बन जाता है तो छानने वाने की जरूरत नहीं होती है। इसे अच्छे से मिक्सी में चला लीजिए। तो और इसको भी दो दो मिनट बाद एकदम सिम पे रखें और दो दो मिनट बाद इसे उलट पलट करते रहें। ये बाटी अच्छे से पक जाएगी और हमारी दाल तो बन ही रही है। खैर, तो देखिए ये चूरमे वाली बाटी मिक्सी में चलाने के बाद इस तरह से पाउडर कर लीजिए आप। तो मैंने ये पाउडर कर लिया है। अब इसके चूरमा लड्डू कैसे बनता है वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। चलिए ये एक मिनट हो गया, ये इस तरह से गोल गोल घुमा लीजिए आप, थोड़ा और पलट पलट करके इसे अच्छी तरह से सेंक लीजिए। 15-20 मिनट तो आपको लगेंगे ही बनाने में। देखिए ये हमारी बाटी बिल्कुल सिक करके तैयार है। मैं गैस बंद करती हूँ और इसे ढक करके, अभी ये तवा भी गर्म है तो थोड़ा और अच्छी तरह से सिक जाएगा। तो इसे ढक करके मैं अभी 2 मिनट के लिए ढक करके इसे छोड़ देती हूँ। अब बाटी के लिए मैंने घी गर्म किया है और इस बाटी को आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे फोड़ें और इसमें घी गर्म हो चुका है तो ये गैस बंद कर दें और इसमें थोड़ा सा घी डालें, या नहीं तो आप चाहें तो ऐसे करके घी डालकर आप घी लें, कैसरोल लें, कैसरोल के नीचे एक प्लेट रखें नीचे में और इस तरह से आप बाटी इसमें रख दें। तो देखिए ये सारी बाटी ऐसे तैयार होगी और देखिए ये घी भी बचा। वैसे ज़्यादा घी नहीं लगता है, वो एक लगे कि अच्छा इतना घी गर्म करके इतना आप डालेंगे वैसे बात नहीं, बस थोड़ा सा आप डुबो देंगे ऐसे तो बाटी का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और बाटी सॉफ्ट रहेगी, कड़क नहीं होगी बाटी। तो देखिए बाटी तो तैयार हो गई है, अब हम चूरमा तैयार कर लेते हैं। तो चूरमा बनाने के लिए मैंने 1 बड़े चम्मच से 1 चम्मच घी लिया है और गैस को ऑन कर दे रही हूँ, फ्लेम पे ही सेकेंगे। देखिए घी पिघल चुका है, अब जो है ये सारे इसमें डाल देते हैं, इसे थोड़ा सेकेंगे। ज़्यादा बिल्कुल हलवे की तरह वैसे नहीं सेकना है, बस हाँ थोड़ा सेक लेना है। ज़्यादा हलवे की तरह सेक दीजिएगा तो ये कड़क हो जाएंगे, फिर इसके लड्डू नहीं बन देंगे। आप अगर पसंद करते हैं तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए मैंने, भी काजू और बादाम को इस तरह से बारीक ये कर लिया है और इसे मैं मिला दे रही हूँ। ज़्यादा नहीं सेकना है, बस एक अच्छी सी सोनी सोनी सी खुशबू आने लग जाएगी, बस आप उतनी उतनी देर सेकें। ये जो इस तरह से बन रहा है बस उसे बंद, बीच के बिखरने तक मत सेके, अगर ये ज़्यादा सीख जाएगा तो ये बिखरने लग जाएगा, फिर इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। देखिए ये आटा सीख चुका है, बंद करती हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा किशमिश भी मिला दे रही हूँ। गैस मैंने बंद कर दिया है, इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर मिला देंगे। शक्कर का बूरा मिलाए या शक्कर को पाउडर करके मिलाए तो सही, कैसे कहीं ज़्यादा ना मीठा हो जाए। तो इसके सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको 4 हिस्से में ऐसे प्लस करके बांटें और इस 1 हिस्से बराबर ही आप शक्कर मिलाएं तो बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा। देखिए मैंने 1 हिस्सा ये शक्कर पाउडर मिलाया है, अब इसे अच्छी तरह से मिला लें और जब यह हल्का सा ठंडा हो जाए, हाथ में आपके सहन करने जितना हो जाए, तो या तो आप 1 चम्मच पिघला हुआ घी मिला दें या थोड़ा सा दूध का छींटा मारकर इसके लड्डू बना दें। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच पिघला हुआ घी मिलाया और इसके
लड्डू चूरमे के लड्डू बांध देती हूँ, तो ये फटाफट लड्डू बंध जाएगा। आप उनको कहीं सर्व करना तो एक काजू इस तरह से लगा करके आप लड्डू बनाएं। तो देखिए ये चूरमा के लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। अब चलिए बाटी भी तैयार हो चुकी है तो उसे भी थोड़ा घी पिला देते हैं और दाल छौंक लेते हैं। दाल छौंकने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, दाल को मैं घी से ही छौंकूंगी। तो देखिए एक चम्मच घी डालते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ये दो चुटकी हींग डालूंगी, हाफ टेबल स्पून जीरा डालूंगी। जीरा जब ऐसे थोड़ा सा पक जाए तो ये साबुत हरी मिर्च भी आप डाल दें, लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं। आकर छौंक रही हूँ तो मैंने 8-10 लहसुन की कलियाँ लेकर इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और ये एक टुकड़ा अदरक का है उसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। तो मैं ये लहसुन डाल रही हूँ, ये अदरक भी डाल रही हूँ, इसमें एक बड़ा टमाटर चॉप कर दिया है मैंने, ये थोड़ा सा ये लहसुन थोड़ा सा पक जाया तो मैं ये चॉप किया हुआ टमाटर डालूंगी। देखिए हमारा लहसुन पक चुका है, मैं ये टमाटर डालूंगी, थोड़ा सा नमक डाल दूँ। ऑलरेडी दाल में नमक हमने डाला है तो नमक डाल करके इसे ढक दें तो ये टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगा। टमाटर पक गया है, अब इसमें हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अगर 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। गैस बंद करते हैं और दाल को इसमें पलट दें। अच्छी दाल तैयार हो गई है। अगर आप पसंद करते हैं तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला दें और गैस बंद करके इसे ढक दें। तो देखिए ये हमारा दाल बाटी तैयार हो गया है बिल्कुल। मैंने दाल कटोरी में निकाल ली है और अब ये चूरमा रखते हैं और ये गरम गरम दो बाटी रखते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो इसमें घी डालें और ऐसे घी डाल करके आप खाएं। और ये मैंने मिर्ची तली है, ये सलाद, और ये लहसुन लाल मिर्ची और टमाटर की चटनी है, ये केरी और बूंदे का अचार है। तो ये हमारा दाल बाटी और चूरमा, उसके साथ ये सलाद, मतलब इस रेनी सीजन में ये खाकर तो मजा आ जाएगा। तो आप जरूर बनाइए, इस सीजन का मजा लीजिए इसे खा करके, और फिर मुझे बताइए ये आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।